हेलो दोस्तों, मैं संदीप मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल एसएम क्लासेस में। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एफिनिटी एंड रिलेशनशिप ऑफ जिम्नोस्पर्म विथ टेडोफाइट्स एंड एंजियोस्पर्म। तो इस वीडियो में हम जिम्नोस्पर्म के जो प्रॉपर्टी हैं कि वह टेडोफाइट्स से क्या सिमिलरिटी रखता है, क्या डिफरेंसेस रखता है, वहीं एंजियोस्पर्म से क्या सिमिलरिटी रखता है, क्या डिफरेंसेस रखता है, सभी पॉइंट को हम लोग टेबल के थ्रू समझेंगे ताकि आपको इजीली हर पॉइंट समझ में आ जाए। तो आप वीडियो को ध्यान से देखिए और आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप एक कॉपी और पेन अपने पास रखिए ताकि हर पॉइंट को नोट करते चलें। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं एफिनिटी ऑफ जिम्नोस्पर्म। तो आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं पॉइंट को। और हमारा पहला पॉइंट रहेगा एफिनिटीज एंड रिलेशनशिप ऑफ जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म ऑक्यूपाई ए प्लेस इन बिटवीन टेरिडोफाइट्स एंड एंजियोस्पर्म इन द प्लांट किंगडम। तो जो जिम्नोस्पर्म है, यदि आप प्लांट किंगडम पढ़ रहे हैं, तो जिम्नोस्पर्म जो है टेरिडोफाइट्स के बाद आता है और एंजियोस्पर्म के पहले आता है। तो इसका कहने का मतलब है कि जो जिम्नोस्पर्म है उसको टेरिडोफाइट और एंजियोस्पर्म के बीच रखा गया। देयरफॉर जिम्नोस्पर्म बियर क्लोज एफिनिटी विद टेरिडोफाइट्स, ऑन द अदर हैंड क्लोज एफिनिटी विद द एंजियोस्पर्म। तो इस प्रकार से देखा जाए कि जिम्नोस्पर्म जो है टेरिडोफाइट और एंजियोस्पर्म से एक तरफ तो समानता रखता है, वहीं दूसरी तरफ इन दोनों से विभिन्नता भी रखता है। तो जिम्नोस्पर्म की टेरिडोफाइट और एंजियोस्पर्म से क्या समानताएं हैं, वहीं जिम्नोस्पर्म की टेरिडोफाइट और एंजियोस्पर्म से क्या विभिन्नताएं हैं, इन सभी पॉइंट को हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। जिम्नोस्पर्म आर कंसीडर्ड एज ए ब्रिज बिटवीन टेरिडोफाइट्स एंड एंजियोस्पर्म। तो इस प्रकार से जो जिम्नोस्पर्म है इसे टेरिडोफाइट्स और एंजियोस्पर्म के बीच की सेतु कहते हैं, अर्थात ब्रिज कहते हैं। अब ऐसा क्यों कहा जाता है, चूँकि जो टेरिडोफाइट्स है, टेरिडोफाइट्स हम सभी जानते हैं वस्कुलर प्लांट का स्टार्टिंग है, और वस्कुलर प्लांट तो है बट ये वेल डेवलप नहीं है, जबकि जो एंजियोस्पर्म है एक वेल डेवलप प्लांट है। तो इस प्रकार जो जिम्नोस्पर्म है इन दोनों के बीच के कैरेक्टर को शो करता है, इसलिए जिम्नोस्पर्म को ब्रिज मानते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग कुछ पॉइंट टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म से जानते हैं, फिर उसके बाद हम इनके सिमिलरिटी और डिफरेंसेस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टेरिडोफाइट्स की। टेरिडोफाइट्स आर ए ग्रुप ऑफ प्रिमिटिव लैंड प्लांट बिलोंग टू क्रिप्टोगैमस। दे आर द फर्स्ट प्लांट ग्रुप विथ वस्कुलर टिश्यू फॉर द कंडक्ट ऑफ वाटर एंड फूड मटेरियल, एंड हेंस दे आर कॉल्ड एज वस्कुलर क्रिप्टोगैमस। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, जो प्लांट किंगडम है उनको टू पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक क्रिप्टोगैमस और दूसरा फैनरोगैमस। और क्रिप्टोगैमस में वे प्लांट आते हैं जिनमें कि फ्लावर, सीड और फ्रूट नहीं बनते, और टेरिडोफाइट्स क्रिप्टोगैमस के अंतर्गत रखे गए। लेकिन जो टेरिडोफाइट्स हैं इन्हें फर्स्ट वस्कुलर प्लांट भी बोला जाता है, क्योंकि जो वस्कुलर टिश्यू है जाइलम और फ्लोएम सबसे पहले टेरिडोफाइट्स में ही रिपोर्ट किया गया। तो इस तरह से इनमें वाटर और फूड को कंडक्ट करने की प्रॉपर्टी आ गई, इसलिए इन्हें हम वस्कुलर क्रिप्टोगैमस भी कहते हैं। वही बात करें यदि हम जिम्नोस्पर्म की, जिम्नोस्पर्म आर ए ग्रुप ऑफ प्रिमिटिव सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट ऑफ स्पर्मेटोफाइट्स मीन्स फैनरोगैम्स। दे आर नेक्ड सीड प्लांट कैरेक्टराइज बाई नेक्ड ओव्यूल्स, दैट्स मीन्स ओव्यूल विदाउट द ओवरी। The ovules of gymnosperm are born directly on the surface of the megasporophyll since ovary is absent, gymnosperm do not produce fruit. वही बात करें हम gymnosperm की, तो gymnosperm जो है सबसे primitive seed producing plant है, इसे भी रखा गया है phanerogams में। इनके जो बीज होते हैं वो necked होते हैं, अर्थात जितने भी gymnosperm होते हैं उनमें जो बीज होता है वो fruits के अंदर नहीं पाया जाता। वही बात करें इनके ovule की, तो ovule necked होता है, और जितने भी ओव्यूल होते हैं वो डायरेक्टली बनते हैं मेगा स्पोरोफिल से। इस तरह से हम कह सकते हैं कि इनमें ओवरी अब्सेंट होता है, और जिम्नोस्पर्म जो होते हैं फ्रूट का फॉर्मेशन नहीं करते। तो जो जिम्नोस्पर्म है अगर आप देख सकते हैं है तो ये फेनरोगैम्स में, लेकिन ये कुछ प्रॉपर्टी जो है टेरिडोफाइट से सिमिलरिटी रखता है, और इसकी कुछ जो प्रॉपर्टी है वो एंजियोस्पर्म से सिमिलरिटी रखती हैं। वहीं जो टेरिडोफाइट्स है सबसे लोअर एक तरह से कह सकते हैं कि प्लांट है, वस्कुलर प्लांट तो इसमें प्रोड्यूस हो गया है, बट इनकी जो प्रॉपर्टी होती है वेल डेवलप नहीं है। वही जो जिम्नोस्पर्म की बात करें, ये तो कुछ डेवलप है बट एंजियोस्पर्म से अधिक डेवलप नहीं है, क्योंकि इनमें सीड का फॉर्मेशन तो होता है बट जो सीड होते हैं इनके नेक्ड होते हैं, फ्रूट का फॉर्मेशन नहीं होता। वहीं अगर एंजियोस्पर्म की बात करेंगे तो उनमें सीड, फ्लावर, फ्रूट सभी का फॉर्मेशन होता है। तो यही कुछ प्रॉपर्टी है जिसके द्वारा हम लोग जिम्नोस्पर्म की सिमिलरिटी और डिफरेंसेस को आगे डिस्कस करेंगे। टेरिडोफाइट्स ऑक्यूपाई द इंटरमीडिएट पोजीशन बिटवीन बायोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म।
तो यदि हम बात करें टेरिडोफाइट्स की, तो ये ब्रायोफाइटा और जिम्नोस्पर्म के बीच पाया जाता है। और जो ब्रायोफाइट्स ऐसे होते हैं जो वो सीडलेस प्लांट है, जबकि जो जिम्नोस्पर्म है सीड बियरिंग प्लांट है। जिम्नोस्पर्म वेयर बिलीव टू बी ओरिजिनेटेड फ्रॉम टेरिडोफाइट्स इन द डिवोनियन पीरियड अप्रॉक्स 419 टू 359 मिलियन ईयर एगो ऑफ पैलेजोइक एरा। वही बात करें अगर हम जिम्नोस्पर्म की, तो माना जाता है कि जो जिम्नोस्पर्म है इनका ओरिजिन टेरिडोफाइट से हुआ है, और इनकी जो ओरिजिन की अवधि है वो आज से लगभग 419 से 359 मिलियन ईयर वर्ष पूर्व जो पैलेजोइक काल है उसके डिवोनियन पीरियड में हुआ है। टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म शेयर मेनी कैरेक्टरिस्टिक। इन द प्रीवियस पोस्ट वी आर डिस्कस द जनरल कैरेक्टर ऑफ ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म। तो अगर हम बात करें टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म की, तो ये बहुत से समानताएं एक दूसरे से प्रदर्शित करते हैं जो कि आगे हम लोग प्रीवियस वीडियो में आपसे शेयर किए हुए हैं, जैसे कि ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म। इन द पोस्ट वी विल डिस्कस द सिमिलरिटी एंड डिफरेंस बिटवीन टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म विद कंपैरिजन टेबल। इस पोस्ट में अर्थात इस वीडियो में हम इनसे जुड़े हुए जो भी सिमिलरिटी हैं, जो भी डिफरेंसेस हैं, वो सभी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म के बीच की सिमिलरिटी को डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट सिमिलरिटी है प्रेजेंस ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन विद डोमिनेंट स्पोरोफिटिक जनरेशन। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म दोनों में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है, और दोनों में ही जो स्पोरोफिटिक जनरेशन है अर्थात जो डिप्लॉयड स्टेज है वही डोमिनेंट होता है। तो ये फर्स्ट सिमिलरिटी है इन दोनों के बीच। सेकंड सिमिलरिटी की बात करें द स्पोरोफाइट इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट स्टेम एंड लीव्स। और इनके जो स्पोरोफाइट्स होते हैं वो रूट स्टेम और लीव में डिवाइडेड होते हैं। लीव्स ऑफ सम जिम्नोस्पर्म एंड फर्म्स सो ससिनेट वेनेशन। तो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था टेरिडोफाइट्स में, तो इनके जो लीव्स होते हैं उसमें वेनेशन बहुत कम में ही पाया जाता है, मतलब वेनेशन वेल डेवलप नहीं होता है। वहीं जिम्नोस्पर्म की बात करें तो इनमें वेनेशन जो होता है वेल डेवलप होता है, लेकिन अगर टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म दोनों को कंपेयर करें तो इसमें एक ससिनेट वेनेशन कुछ सर्कुलर शेप का आपका लीव दोनों के कंडीशन में पाया जाता है, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। तो नीचे आप देख सकते हैं कि टेरिडोफाइट्स और एंजियोस्पर्म के बीच जिम्नोस्पर्म पाया जाता है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो वस्कुलर प्लांट है, जो वेल डेवलप वस्कुलर प्लांट है एंजियोस्पर्म, इन सभी का ओरिजिन हुआ है टेरिडोफाइट से। तो आइए कुछ और सिमिलरिटी टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म के बीच हम लोग डिस्कस करते हैं। आइए बात करते हैं थर्ड सिमिलरिटी की। जाइलम इन बोथ ग्रुप इज डिवॉइड ऑफ वेसल्स। तो जाइलम आपके टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म दोनों में पाया जाता है, बट अगर जाइलम के टाइप आप पढ़े होंगे या जाइलम के कंपोनेंट पढ़े होंगे तो उनमें एक होता है वेसल्स। तो जाइलम तो पाए जाते हैं, बट इनके कंपोनेंट जो वेसल्स हैं वो जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइट्स दोनों में नहीं पाए जाते। वही बात करें फ्लोएम इज डिवाइड ऑफ कंपोनियन सेल। तो टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म दोनों में फ्लोएम पाए जाते हैं, बट जो कंपेनियन सेल है जो सहायक कोशिका है वो भी टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म दोनों में नहीं पाई जाती। वही बढ़ते अगले सिमिलरिटी की ओर। सेकेंडरी थिकनिंग प्रेजेंट इन द फॉसिल्स टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म। वही बात करें हम सेकेंडरी ग्रोथ की, तो टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म के कुछ जो फॉसिल्स हैं उनमें सेकेंडरी ग्रोथ भी पाया जाता था। ऑल जिम्नोस्पर्म एंड मेनी टेरिडोफाइट्स सो हेट्रोस्पोरी। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो टेरिडोफाइट्स होते हैं वो होमोस्पोरी और हेट्रोस्पोरी होते हैं, और मैक्सिमम जो इनके स्पीसीज है वो हेट्रोस्पोरी होते हैं। दैट्स मीन ये दो तरह के स्पोर प्रोड्यूस करते हैं, मेगा स्पोर और माइक्रोस्पोर। वहीं बात करें हम जिम्नोस्पर्म की, तो इनके सभी स्पीसीज हेट्रोस्पोरी होते हैं। तो टेरिडोफाइट्स का हेट्रोस्पोरी वाला जो कैरेक्टर है वो जिम्नोस्पर्म से सिमिलरिटी रखता है। नेक्स्ट सिमिलरिटी की बात करें, स्पोरेंजिया आर फॉर्म ऑन द स्पेशलाइज्ड लीव आर कॉल्ड स्पोरोफिल। तो जो स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन होता है टेरिडोफाइट्स में, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था लीव के ऊपर होता था, इसलिए उसको हम बोलते थे माइक्रोस्पोरोफिल। वहीं अगर हम बात करें जिम्नोस्पर्म की, तो जिम्नोस्पर्म में भी स्पोरेंजिया बनता है, बट वो अगर मेगा स्पोरेंजिया और माइक्रोस्पोरेंजिया बोला जाता है। जनरली ये कोन शेप के फॉर्म में होते हैं। इन सम जिम्नोस्पर्म स्पोरेंजिया आकर एज ए ग्रुप और एज ए सोरस। और जो जिम्नोस्पर्म होते हैं उनमें जो स्पोरेंजिया होती है ग्रुप में पाई जाती है, जिसको हम बोलते हैं सोरस। वहीं हम लोग टेरिडोफाइट्स में भी पढ़े थे कि इनमें भी जो ग्रुप होते हैं स्पोरेंजिया को, उसको बोलते हैं सोरस। तो ये सिमिलरिटी है। वही बात करें, इन सम जिम्नोस्पर्म मेल गैमेट्स आर फ्लैजलेटेड एंड मोटाइल। तो जिम्नोस्पर्म में जो मेल गैमेट होते हैं वो फ्लैजलेटेड और मोटाइल होते हैं। यही सिमिलरिटी सेम टेरिडोफाइट्स में भी पाया जाता है, इनमें जो मेल गैमेट होते हैं वो फ्लैजलेटेड और मोटाइल होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट सिमिलरिटी की ओर। सस्पेंसर फॉर्मेशन इन सम टेरिडोफाइट्स ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट।
तो अगर हम देखें जो कुछ टेरिडोफाइट्स होते हैं तो उनका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है तो एक सस्पेंशन सेल फॉर्मेशन होता है, ये कुछ टेरिडोफाइट्स में ही पाया जाता है, जबकि जिम्नोस्पर्म में हम लोग देख सकते हैं कि सभी में सस्पेंशन सेल पाया जाता है ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। जैसा कि आप देख सकते हैं इमेज में, ये सस्पेंशन सेल है। तो सस्पेंशन सेल जो होती है ये कुछ ही टेरिडोफाइट्स में पाई जाती है बट सभी जिम्नोस्पर्म में पाई जाती है, तो ये एक सिमिलरिटी को डिनोट करता है। बढ़ते हैं अगले सिमिलरिटी की ओर। मेगास्पोर इज रिटेन इन मेगास्पोरेंजियम इन सम टेरिडोफाइट्स। तो यदि अगर हम बात करें मेगास्पोर की, तो मेगास्पोर मेगास्पोरेंजियम के अंदर पाए जाते हैं कुछ टेरिडोफाइट्स में, लेकिन जिम्नोस्पर्म में सभी में जो मेगास्पोर होते हैं मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही हमेशा रहते हैं, तो ये भी एक सिमिलरिटी है। तो जैसा कि पिछले हम लोग टॉपिक हेट्रोस्पोरी एंड सीड हैबिट, तो सीड हैबिट में आपको ये टॉपिक मिलेगा। बढ़ते हैं अगले सिमिलरिटी की ओर। सेवरल प्रिमिटिव जिम्नोस्पर्म आर रिजेंबल टू टेरिडोफाइट्स। तो जो जिम्नोस्पर्म के जो प्रिमिटिव एंसेस्टर है तो उनकी जो क्वालिटी है टेरिडोफाइट से मिलती है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। साइक्लोफिल्केस ए ग्रुप ऑफ फॉसिल्स वेयर कंसिडर्ड एज ए फर्न फॉर ए लॉन्ग टाइम एंड आर स्टिल कॉल्ड एज सीड फर्न। तो जब आप क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे जिम्नोस्पर्म का तो उसमें आपको एक ग्रुप मिलेगा साइक्लोफिल्केस, जो कि एक फॉसिल्स ग्रुप है। इसमें जितने भी आपके प्लांट हैं सभी फॉसिल्स हैं। तो इन्हें माना जाता था फर्न, बहुत समय तक इन्हें फर्न माना गया, क्योंकि इनके जो कैरेक्टरिस्टिक है वो फर्न से अर्थात टेरिडोफाइट से मिलते जुलते हैं। आज भी इन्हें सीड फर्न ही कहा जाता है। सीड फर्न क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जिम्नोस्पर्म में सीड बनता है और टेरिडोफाइट्स मीन्स फर्न में सीड नहीं बनते, इसलिए मिलती जुलती प्रॉपर्टी की वजह से इन्हें आज भी सीड फर्न बोला जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप याद रखिएगा। तो ये तो हुआ इनकी सिमिलरिटी के बारे में टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म के। आइए अब इनके बीच जो डिफरेंसेस है उनको डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर डिफरेंस डिस्कस करने के लिए मैंने दो कॉलम बना रखे हैं, एक जिम्नोस्पर्म का एक टेरिडोफाइट्स का। तो एक एक करके हम सभी डिफरेंसेस को यहाँ पर कंपेयर करेंगे। तो बढ़ते हैं अपने पहले पॉइंट की ओर। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जिम्नोस्पर्म के बारे में। इट अकर इन जीरोफिटिक हैबिटेट्स। तो जो जिम्नोस्पर्म होते हैं जनरली जीरोफिटिक हैबिटेट में रहते हैं, जहाँ भी पानी की मात्रा कम होती है। वहीं टेरिडोफाइट्स की बात करें, दे आर हाइड्रोफाइट्स, ग्रो इन मॉइस एंड सैडी प्लेस। और जो टेरिडोफाइट्स होते हैं वो जनरली ऐसे प्लेस पर पाए जाते हैं जहाँ पर छाया होती है या फिर नमी होती है। वहीं दूसरे डिफरेंस की बात करें, दे हैव टैप रूट, इनमें टैप रूट पाया जाता है। वहीं टेरिडोफाइट्स में आपको एडवेंटेशियस रूट पाया जाता है। थर्ड डिफरेंस की बात करें, यूस्टेलिक ऑर्गेनाइजेशन होता है, मतलब इसमें जो स्टील होते हैं जनरली यूस्टेलिक होते हैं और टेरिडोफाइट्स में यूस्टील नहीं पाया जाता। फोर्थ डिफरेंस है कि जो जिम्नोस्पर्म है उनमें सेकेंडरी ग्रोथ पाया जाता है। सेकेंडरी ग्रोथ क्या होता है, जब कोई तना चौड़ाई में बढ़ता है तो उसे हम बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। तो जिम्नोस्पर्म में सेकेंडरी ग्रोथ होता है बट टेरिडोफाइट्स में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता। बात करते हैं फिफ्थ डिफरेंस की, स्टेम आर एरियल। तो जो जिम्नोस्पर्म होते हैं इनके जो स्टेम होते हैं जनरली एरियल होते हैं, हमेशा ऊपर की ओर इरेक्ट रहते हैं। वहीं जो टेरिडोफाइट्स की बात करें तो हम लोगों ने पढ़ा था कि इनमें एरियल स्टेम पाया जाता है, इसके साथ साथ अंडरग्राउंड राइजोम भी पाया जाता है। वही बात करें सिक्स डिफरेंस की, जिम्नोस्पर्म में ओनली माइक्रोस्पोर आर सेड फ्रॉम माइक्रोस्पोरेंजिया। तो जो जिम्नोस्पर्म होते हैं इनमें जो माइक्रोस्पोर होते हैं वो माइक्रोस्पोरेंजिया से निकलते हैं, जबकि जो मेगास्पोर होते हैं वो मेगास्पोरेंजियम के अंदर रहते हैं, वो बाहर नहीं निकलते हैं। वही टेरिडोफाइट्स की बात करें, बोथ माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर आर सेड फ्रॉम स्पोरेंजिया। और टेरिडोफाइट्स में से माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर दोनों ही माइक्रोस्पोरेंजिया और मेगास्पोरेंजिया से बाहर निकलते हैं और एक अलग गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं जिसे हम बोलते हैं प्रोथैलस। तो जनरली यह भी कह सकते हैं कि टेरिडोफाइट्स में प्रोथैलस बनता है और एंजियोस्पर्म में प्रोथैलस का फॉर्मेशन नहीं होता। बढ़ते हैं अगले डिफरेंस की ओर। डिफरेंस नंबर 7 है, पोलन ट्यूब इज डेवलप्ड टू कैरी मेल गैमेट्स टू आर्चिगोनियम। तो जो जिम्नोस्पर्म है उनमें जो पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है जो कि मेल गैमेट को आर्चिगोनियम के पास ले जाता है। वही बात करें अगर हम टेरिडोफाइट्स की, पोलन ट्यूब इज अब्सेंट इन ऑल हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट्स। और टेरिडोफाइट्स में बात करें इनमें पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन नहीं होता, क्योंकि जितने भी टेरिडोफाइट्स हैं उनमें जो मेल गैमिट होता है वो सीधे एक सेल से जाकर फ्यूज होता है, जबकि जिम्नोस्पर्म में जो मेल गैमिट होता है वो पोलन ट्यूब के थ्रू आर्चिगोनियम के पास पहुँचता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट डिफरेंस की ओर। आर्चिगोनिया लैक नेक कैनाल एंड नेक कैनाल सेल एंड आर्चिगोनियम इज अब्सेंट इन नीटम। तो वही बात करें अगर हम जिम्नोस्पर्म की, तो जिम्नोस्पर्म में जो आर्चिगोनिया होती है उसके पास न तो नेक सेल होता है और न ही नेक कैनाल सेल होता है। और वही बात करें नीटम की, यह एक जिम्नोस्पर्म होते हुए भी इनमें आर्चिगोनिया नहीं पाया जाता। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखिएगा
नीटम जो कि एक जिम्नोस्पर्म है लेकिन इसमें आर्चिगोनिया नहीं पाया जाता। वही बात करें अगर हम टेरिडोफाइट्स की, इन टेरिडोफाइट्स आर्चिगोनिया, नेक कैनाल सेल एंड नेक कैनाल सेल आर प्रेजेंट। और जो आपके टेरिडोफाइट्स हैं उसमें आर्चिगोनियम, नेक कैनाल सेल और नेक सेल, ये सभी चीज़ें पाई जाती हैं। बढ़ते हैं अगले डिफरेंस की ओर, बात करेंगे जिम्नोस्पर्म में। मेगास्पोरेजियम इज प्रोटेक्टेड बाय इंट्यूगमेंट एंड इज कॉल्ड ओव्यूल। तो जो जिम्नोस्पर्म होते हैं उनमें जो मेगास्पोर होते हैं वो मेगास्पोरेंजियम के अंदर प्रोटेक्टेड होते हैं और एक लेयर के थ्रू प्रोटेक्टेड होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं इंट्यूगमेंट। और ये प्रोटेक्टेड लेयर और मेगास्पोर ये दोनों मिलकर बनाते हैं ओव्यूल। और वही बात करें टेरिडोफाइट्स में, तो टेरिडोफाइट्स में ओव्यूल अब्सेंट होता है। बढ़ते हैं अगले डिफरेंस की ओर, वाटर इज नॉट इसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन। तो जिम्नोस्पर्म में फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की आवश्यकता नहीं होती। वही बात करें टेरिडोफाइट्स में, तो इनमें वाटर इसेंशियल होता है फॉर द फर्टिलाइजेशन। बढ़ते हैं अगले डिफरेंस की ओर, डिफरेंस नंबर 11 है, गैमेटोफाइट इज फुली डेवलप ऑन स्पोरोफाइट। तो इसके जितने भी गैमेटोफाइट होते हैं जिम्नोस्पर्म के वो स्पोरोफाइट पर निर्भर होते हैं। वही बात करें टेरिडोफाइट्स में, गैमेटोफाइट इज ग्रीन एंड ऑटोट्रॉफिक। और टेरिडोफाइट्स में जो गैमेटोफाइट होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं प्रोथैलस, जैसा कि हम लोगों ने टेरिडोफाइट्स में पढ़ा था कि इनमें जो गैमेटोफाइट एक अलग स्ट्रक्चर पर बनते हैं जिसे हम बोलते हैं प्रोथैलस, ये प्रायः ग्रीन होते हैं और ऑटोट्रॉफिक होते हैं। तो ये गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट पर डिपेंड नहीं होते हैं। बढ़ते हैं अगले डिफरेंस की ओर, प्रेजेंस ऑफ फ्री न्यूक्लियर डिवीजन इन अर्लियर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। तो जब इनका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है जिम्नोस्पर्म का, तो इनमें फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है अर्ली स्टेज में। वही बात करें टेरिडोफाइट्स में, तो उनमें कोई भी फ्री न्यूक्लियर डिवीजन नहीं होता। बढ़ते हैं लास्ट डिफरेंस की, सीड आर प्रेजेंट। तो जिम्नोस्पर्म में सीड पाया जाता है जबकि टेरिडोफाइट्स में सीड अब्सेंट होता है। तो ये कुछ डिफरेंस थे आपके जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइट्स के बीच। आइए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर, सिमिलरिटी जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म। तो इसमें हम लोग जिम्नोस्पर्म की एंजियोस्पर्म से क्या सिमिलरिटी है उसको डिस्कस करेंगे। तो बढ़ते हैं सबसे पहले पॉइंट की ओर, द स्पोरोफाइट इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू स्टेम, रूट एंड लीव्स। तो जो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म है इनके जो स्पोरोफाइट्स होते हैं वो स्टेम, रूट और लीव्स में डिवाइड होते हैं। सेकेंड सिमिलरिटी है, वस्कुलर बंडल आर कंजॉइंट, कोलेटरल एंड ओपन। तो इनमें जो वस्कुलर बंडल होते हैं वो कंजॉइंट, कोलेटरल और ओपन टाइप के होते हैं। तो कंजॉइंट, कोलेटरल, ओपन क्या होते हैं वस्कुलर बंडल, तो आप वस्कुलर बंडल के टॉपिक में पढ़ सकते हैं। वही बात करें सेकेंडरी ग्रोथ इज प्रेजेंट इन जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। तो जो सेकेंडरी ग्रोथ होता है जिसमें कि जो तना होता है मोटाई में बढ़ता है, तो सेकेंडरी ग्रोथ जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म दोनों में पाया जाता है। वेसल्स एंड कंपेनियन सेल आकर इन सम जिम्नोस्पर्म, फॉर एग्जाम्पल नीटल्स। तो जो वेसल्स और कंपेनियन सेल, जनरली हम लोगों ने पढ़ा था कि जो जाइलम होते हैं जाइलम में वेसल्स नहीं पाया जाता, फ्लोएम में कंपेनियन सेल नहीं पाया जाता जिम्नोस्पर्म में। लेकिन जिम्नोस्पर्म के जो कुछ स्पीसीज हैं जैसे कि अगर बात करें हम नीटल्स, तो उनमें ये चीज़ें पाई जाती हैं जो कि आपके एंजियोस्पर्म से सिमिलरिटी रखती हैं। सम एंजियोस्पर्म आर विंड पोलिनेटेड। तो जो कुछ आवृतबीजी पौधे होते हैं उनमें वायु परागण पाया जाता है। फर्टिलाइजेशन इज सिफ्नोगैमस विच मीन्स विद द हेल्प ऑफ पोलन ट्यूब। तो जो जिम्नोस्पर्म होते हैं और एंजियोस्पर्म होते हैं इनमें जो फर्टिलाइजेशन होता है वो सिफ्नोगैमस टाइप का होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि इनमें पोलन ट्यूब के थ्रू फर्टिलाइजेशन होता है। तो पोलन ट्यूब के थ्रू जो मेल गैमिट होते हैं वो फीमेल गैमिट के पास पहुँचते हैं और फ्यूज करते हैं। तो दोनों में अर्थात जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म दोनों में फर्टिलाइजेशन जो होता है वो सिफ्नोगैमस टाइप का होता है। बढ़ते हैं अगले सिमिलरिटी की ओर, डेवलपमेंट ऑफ मेगा स्पोर इंटू फीमेल गैमेटोफाइट टेक प्लेस इनसाइड द मेगा स्पोरेंजियम। तो जो जिम्नोस्पर्म है और एंजियोस्पर्म है दोनों में जो मेगा स्पोर होते हैं वो फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर ही डेवलप होते हैं। सस्पेंशन इज फॉर्म ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो जो सस्पेंशन सेल है उसका फॉर्मेशन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में होता है। तो ये दोनों केस जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में पाया जाता है। जैसा कि हम लोगों ने टेरिडोफाइट्स में पढ़ा था कि ये जो सस्पेंशन सेल होते हैं ये इनमें नहीं पाए जाते एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय। नेक्स्ट है, पॉली एम्ब्रियोनी इज फ्रिक्वेंटली इन मेनी एंजियोस्पर्म। तो जो पॉली एम्ब्रियोनी है जो कि जिम्नोस्पर्म में कॉमनली पाया जाता है और एंजियोस्पर्म की जो कुछ जातियां हैं उनमें भी पॉली एम्ब्रियोनी पाई जाती है। तो ये सिमिलरिटी है, इन बोथ ग्रुप ओव्यूल्स डेवलप इनटू सीड। और जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म दोनों में जो ओव्यूल होता है फर्टिलाइजेशन के बाद सीड में कन्वर्ट हो जाता है। सीड जर्मिनेशन एपी जीएल एंड हाइपोजीएल। और जो सीड का जर्मिनेशन होता है वो एपीजीएल और हाइपोजीएल होता है। अब एपीजीएल और हाइपोजीएल क्या होता है, जब सीड
आपके भूमि के ऊपर जर्मिनेट करता है तो उसको बोलते हैं एपीजियल, और भूमि के अंदर जर्मिनेट करता है तो उसको बोलते हैं हम हाइपोजियल। नेक्स्ट है स्पोरोफिटिक जर्मिनेशन इज द प्रोमिनेंट जनरेशन। तो इनका जो स्पोरोफिटिक जनरेशन होता है वो डोमिनेंट होता है। गैमेटोफिटिक जनरेशन इज रिड्यूस। इनमें जो गैमेटोफिटिक स्टेज होता है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में वो बहुत कम समय के लिए होता है, मतलब बहुत ही रिड्यूस होता है। जबकि हम लोग टेरिडोफाइट्स के केस में पढ़े थे तो टेरिडोफाइट्स में जो गैमेटोफाइट स्टेज होता है वेल डेवलप होता है, ऑटोट्रॉफिक होता है, बट जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के केस में ये वेल डेवलप नहीं होते, ये रिड्यूस फॉर्म में होते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले सिमिलरिटी की ओर। गैमेटोफाइट कम्प्लीटली डिपेंड ऑन स्पोरोफाइट। तो जो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के जो गैमेटोफाइट होते हैं वो स्पोरोफाइट पे डिपेंड होते हैं, क्योंकि ये स्पोरोफाइट के अंदर ही बनते हैं और वहीं से आपस में फर्टिलाइजेशन करते हैं। वही टेरिडोफाइट्स की बात करें तो उनमें जो गैमेटोफाइट स्टेज था वो अलग था, वो स्पोरोफाइट से डिपेंड नहीं करता था, वो बाहर बनता था और ऑटोट्रॉफिक होता था। तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के जो गैमेटोफाइट होते हैं वो टोटली स्पोरोफाइट पे डिपेंड करते हैं। तो ये थे कुछ सिमिलरिटी जो कि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के बीच पाए जाते हैं। आइए अब हम नेक्स्ट बात करेंगे इनके डिफरेंस की। तो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में क्या डिफरेंसेस है उनको डिस्कस करेंगे। तो राइट साइड पर एंजियोस्पर्म है और लेफ्ट साइड पर आपके जिम्नोस्पर्म है। तो हम लोग इनके डिफरेंस को देखेंगे। तो सबसे पहले बात करें हम लोग जिम्नोस्पर्म में, तो फर्स्ट पॉइंट है प्लांट आर मोस्टली वुडी ट्री। तो जो जिम्नोस्पर्म होते हैं जनरली क्या होते हैं, वुडी होते हैं, मतलब काष्ठी होते हैं। इनके जो पेड़ होते हैं जनरली बहुत हार्ड होते हैं। वही बात करें हम एंजियोस्पर्म की जिसे हम बोलते हैं आवृतबीजी, प्लांट में भी हर्ब श्रब एंड ट्री। तो इनके जो प्लांट होते हैं वो साकी भी हो सकते हैं, कटीले भी हो सकते हैं, और बड़े बड़े पेड़ भी होते हैं। सेकेंड डिफरेंस की बात करते हैं यूनिसेक्सुअल, मे बी मोनोसियस और डायोसियस। तो जो जनरली जिम्नोस्पर्म होते हैं वो आपके यूनिसेक्सुअल होते हैं, मतलब कि इनमें मेल और फीमेल अलग अलग प्लांट में पाए जाते हैं, मोस्टली जिम्नोस्पर्म में यही होता है। वही बात करें अगर हम एंजियोस्पर्म की तो एंजियोस्पर्म में भी आपके यूनिसेक्सुअल, मोनोसियस और डायोसियस। तो एंजियोस्पर्म में दोनों कंडीशन पाया जा सकता है, आपके मोनोसियस भी हो सकते हैं, डायोसियस भी हो सकते हैं, मतलब एक ही प्लांट पर मेल फीमेल पाए जा सकते हैं या फिर मेल और फीमेल प्लांट अलग अलग होंगे। मेजॉरिटी ऑफ जिम्नोस्पर्म आर पेरेनियल। तो जो जिम्नोस्पर्म होते हैं मैक्सिमम बहुवर्षीय होते हैं। वही बात करें हम एंजियोस्पर्म की, एंजियोस्पर्म में भी एनुअल, बायएनियल एंड पेरेनियल। तो जो एंजियोस्पर्म होते हैं जो आवृतबीजी पौधे होते हैं वो आपके एक वर्षीय, द्विवर्षीय या फिर बहुवर्षीय होते हैं। फोर्थ डिफरेंस की बात करते हैं रेयरली रिप्रोड्यूस बाई वेजिटेटिव मीन्स। तो जो जिम्नोस्पर्म होते हैं उनमें बहुत ही रेयर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, बट इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज़ वेरी कॉमन। और एंजियोस्पर्म में जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो बहुत ही कॉमन है। वही बात करते हैं फिफ्थ डिफरेंस की, वेसल्स इन जाइलम एलिमेंट्स एंड कंपेनियन सेल इज फ्लोएम आर अब्सेंट। तो जो जिम्नोस्पर्म होते हैं उनके जाइलम में वेसल्स अब्सेंट होता है और फ्लोएम में कंपेनियन सेल, जबकि एंजियोस्पर्म में सभी कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं। बढ़ते हैं अगले डिफरेंस की ओर, कोन आर प्रेजेंट। तो जो जिम्नोस्पर्म होते हैं उनमें मेल और फीमेल कोन पाए जाते हैं, बट इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म मेल एंड फीमेल कोन आर अब्सेंट। तो इनमें मेल और फीमेल कोन नहीं पाए जाते हैं। सातवां डिफरेंस है ब्यूटीफाइंग डिवाइस लाइक सेपल एंड पेटल्स आर अब्सेंट। तो जो जिम्नोस्पर्म होते हैं उनमें जो सेपल और पेटल होते हैं जो कि फ्लावर के आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, एंजियोस्पर्म में पाई जाती है, बट जिम्नोस्पर्म में सेपल और पेटल अब्सेंट होते हैं। जैसा कि इमेज में आप देख सकते हैं सेपल और पेटल, जिसे हम बोलते हैं वाह्यदल और दल। तो जो वाह्यदल हैं और दल जिम्नोस्पर्म में नहीं पाए जाते जबकि एंजियोस्पर्म में पाए जाते हैं। बढ़ते हैं अगले डिफरेंस की ओर। तो डिफरेंस नंबर 8 है पोलिनेशन इज एनिमोफिलस। तो जो जिम्नोस्पर्म होते हैं इनमें जो परागण होता है वो विंड के थ्रू होता है, जिसको हम बोलते हैं एनिमोफिलस। वही बात करें अगर हम एंजियोस्पर्म में पोलिनेशन में भी एनिमोफिलस, इंटिमोफिलस, हाइड्रोफिलस और जूफिलस। तो जो एंजियोस्पर्म होते हैं उनमें विंड पोलिनेशन भी होता है, इंसेक्ट के थ्रू भी होता है। इंसेक्ट के थ्रू जो पोलिनेशन होता है उसको बोलते हैं इंटिमोफिली, और जो वाटर के थ्रू होता है उसको बोलते हैं हाइड्रोफिली, और जो जू मतलब एनिमल के थ्रू होता है उसको हम बोलते हैं जूफिलस। तो कहने का मतलब है कि एंजियोस्पर्म में लगभग सभी तरीके से पोलिनेशन होता है, बट जिम्नोस्पर्म में केवल विंड के थ्रू ही पोलिनेशन होता है। नेक्स्ट डिफरेंस है ओव्यूल्स आर नेक्ड। तो इनमें जो ओव्यूल होते हैं वो नेक्ड होते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिम्नोस्पर्म की। और वही बात करें एंजियोस्पर्म में ओव्यूल्स आर इनक्लोज विद इन द ओवरी वॉल, और इनमें जो ओव्यूल होता है वो ओवरी के अंदर कवर्ड होता है। नेक्स्ट डिफरेंस है प्रेजेंस ऑफ प्रोथेलस। तो इनमें जो होता है प्रोथेलस पाया जाता है, बट एंजियोस्पर्म में प्रोथेलस नहीं पाया जाता। नेक्स्ट है आर्चिगोनिया प्रेजेंट। तो जो जिम्नोस्पर्म होता है उसमें आर्चिगोनिया पाई जाती है, बट इन केस ऑफ
एंजियोस्पर्म आर्चिगोनिया आर अब्सेंट। नेक्स्ट डिफरेंस है इंडोस्पर्म इज फॉर्म बिफोर फर्टिलाइजेशन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखिएगा कि जो जिम्नोस्पर्म होते हैं इनमें जो इंडोस्पर्म होता है वो फर्टिलाइजेशन के पहले बनता है, बट इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म इट इज़ फॉर्म आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। और एंजियोस्पर्म में जो इंडोस्पर्म होता है वो फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है इंडोस्पर्म इज हैप्लॉयड। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जितने भी जिम्नोस्पर्म होते हैं उनमें जो इंडोस्पर्म होते हैं वो हैप्लॉयड होते हैं, बट इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म इंडोस्पर्म इज ट्रिप्लॉयड। तो जो आवृतबीजी पौधे होते हैं उनमें इंडोस्पर्म ट्रिप्लॉयड होते हैं, मतलब 3x होते हैं। वही बात करें हम आपके जिम्नोस्पर्म की, डबल फर्टिलाइजेशन इज अब्सेंट, इनमें डबल फर्टिलाइजेशन नहीं पाया जाता, बट इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म डबल फर्टिलाइजेशन आर प्रेजेंट। नेक्स्ट डिफरेंस है क्लीवेज पॉली एम्ब्रियोनी प्रीवेलेंट। इनमें जो पॉली एम्ब्रियोनी क्लीवेज है वो जनरली नहीं होता, और जो आपके एंजियोस्पर्म है जनरली इनमें पाया जाता है। नेक्स्ट डिफरेंस है जायगोट अंडरगोस फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। इनमें जो जायगोट होता है फ्री न्यूक्लियर डिवीजन की ओर जाते हैं, बट इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म जायगोट डज नॉट अंडरगोस न्यूक्लियर डिवीजन। और जो एंजियोस्पर्म में जायगोट होते हैं वो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन में नहीं जाते। फ्रूट फॉर्मेशन अब्सेंट। जिम्नोस्पर्म में फ्रूट का फॉर्मेशन नहीं होता, बट इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म फ्रूट का फॉर्मेशन होता है। तो ये कुछ डिफरेंसेस थे आपके जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के बीच। तो आई होप कि दोस्तों आपका सभी जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। तो जिम्नोस्पर्म होते हैं टेरिडोफाइट से क्या सिमिलरिटी रखते हैं, क्या डिफरेंस रखते हैं, वही जो जिम्नोस्पर्म है एंजियोस्पर्म से क्या सिमिलरिटी रखते हैं, क्या डिफरेंस रखते हैं। यदि आपको इस पॉइंट से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूज़न है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट कीजिए, मैं आपको उसका रिप्लाई करूँगा। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।